हेलो एवरीवन, साथियों कैसे हैं और कैसे आपकी तैयारी चल रही है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के टॉप क्वेश्चन को लेकर, डिस्कस करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में आने की संभावनाएं पूरी रहती है और यहां से प्रश्न आते भी हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? एक ये होता है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको उसे विग्रह कहते हैं। समास के जो पद से जो अलग होते हैं उसे विग्रह कहते हैं, और फर्स्ट ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संधि विच्छेद को लेकर, यानी संधि के जो हमारा ये अलग करने को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विच्छेद कहते हैं। ठीक, संधि को जब उसे अलग करते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं, लेकिन जब समास के पद को जब अलग करने को कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आने की संभावनाएँ रहती है। दूसरा प्रश्न है, अनुरक्त में कौन सा समास है? देखिए, किसी भी परीक्षाओं में जो देखा जाता है तो यहाँ से 3 से 4 नंबर आपके समास से क्वेश्चन रहते हैं। अनुरक्त में कौन सा समास है? अनुरक्त में, अनुरक्त का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं, अनुरक्त होता क्या है। साथियों आपको बता दूं, अनुरक्त का मतलब होता है, अनुरक्त का मतलब होता है मोहित। क्या होता है? मोहित। मोहित का मतलब क्या होता है, जैसे सुने होंगे युक्त प्रेमी, यानी मोहित हो गया, मतलब क्या, वो मत अच्छा है, वफादार है, इसे क्या कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं। अनुराग युक्त प्रेमी क्या कह सकते हैं, मोहित कीजिए, या आप कह सकते हैं उसे अनुराग, क्या कह सकते हैं, अनुराग युक्त, क्या कह सकते हैं, प्रेमी कह सकते हैं, अनुराग युक्त प्रेमी, तो उसे दोनों शब्द में लिख सकते हैं। कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि अनुरक्त का अर्थ क्या होता है, तो मोहित भी हो सकता है या अनुराग युक्त प्रेमी भी हो सकता है। तो इसका जो है उसमें पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा समास है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका भी बताता हूँ आपको, अगर आपको समझ में ना आए तो ये फर्स्ट जो हो देख पा रहे होंगे अनु रक्त में, तो ये जो उपसर्ग होता है ना उसमें, यानी पहला शब्द जो होता है अव्यय होता है, तो आप ऐसे याद रखिए कि पहला जो यहाँ शब्द मिले अगर समझ में ना आए तो आपको क्या होगा, यह उपसर्ग रहता है तो आपको यह अव्ययीभाव समास होता है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग का मतलब होता है साथियों प्रति अंग, क्या होता है, प्रति अंग, ठीक ना, क्या होता है, प्रति अंग, जब उसे विग्रह करते हैं तो क्या आता है, ये प्रति समास का विग्रह क्या होता है, ये हमारा प्रत्यंग का प्रति अंग। तो ठीक है, तो क्या लगा हुआ, जैसा मैं बताया क्या लगा हुआ, प्र, ठीक, प्र, तो क्या बताया था, प्र, यानी क्या है, प्र उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, यह हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इस प्रकार भी आप बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एक दो और एग्जांपल लिया हूँ। आमरण, आमरण क्या है, आमरण का मतलब होता है मृत्यु के क्षण तक, क्या होता है आपका, क्या होता है, मृत्यु के क्षण तक, क्या होता है, मृत्यु के, आप लिख सकते हैं मृत्यु के क्षण तक या मृत्यु के मृत्यु दम तक, यानी लास्ट पल तक। तो आमरण क्या होता है, देखिए जैसे लिखा हुआ आमरण, मरण तो हुआ, देखिए उसमें उपसर्ग क्या होता है, ठीक, ये हमारा जो उपसर्ग होता है किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता हो, तो ये क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, यानी किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता हो। तो जहाँ तक मैं बताया हूँ, आमरण, आमरण क्या हुआ, आ, तो ये क्या हो जाएगा, ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हो यथाशक्ति, यथाशक्ति का जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार, क्या हो जाएगा, शक्ति के, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार इसका क्या होता है, वह विग्रह होता है। ठीक, तो इसका क्या हुआ, जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि यथाशक्ति का विग्रह करें तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार, तो क्या होगा, यहाँ शक्ति है, ठीक, गौर से सुनिए, कभी भी गलती नहीं होगा, शक्ति है और यहाँ क्या लगा हुआ है, यथा जो है यह आपका अव्यय भी कह सकते हैं और उसे उपसर्ग भी कह सकते हैं, ये शब्द जो लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, यह फिर से क्या हो जाएगा, यह अव्ययीभाव के पास चला जाएगा, क्योंकि पहला शब्द क्या है, अव्यय है, और क्या है, यह आपका उपसर्ग है। तो इस प्रकार के जो पूछे जाते हैं ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं इसीलिए ज़्यादा एग्जाम्पल लिया हूँ कि अगर ऐसा रहे तो ऐसा कभी आपसे गलती नहीं होना चाहिए। जैसे यथासंभव,
क्या है, संभव में क्या लग गया है, यथा, यथा क्या होगा, यह अव्यय है, तो क्या हो जाएगा साथियों, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका अव्यभाव समास यहाँ हो जाएगा। ठीक, जैसे देख सकते हैं प्रतिदिन, दिन में क्या लगा हुआ है, प्रति, क्या हो जाएगा, आप अपने समझ जाइएगा, समझ भी गए होंगे, यह क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, यह आपका अव्यभाव समास हो जाएगा। उसके बाद है अगला है राजकुमार, राजकुमार क्या है, जैसे कहते हैं ना वह राजकुमार बन गया है, यानी क्या उसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का क्या होगा साथियों, राजा का कुमार होता है, क्या होता है, राजा का ये कुमार होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या लगा हुआ है, विभक्ति चिन्ह, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा साथियों, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, देशभक्ति किसके लिए, किसके लिए, तो उसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश के लिए क्या होता है, भक्ति, तब ना कहते हैं वो देशभक्त है, देश के लिए क्या होता है, देश के लिए, के लिए क्या, कौन सा ये चिन्ह लगा हुआ है, कारक विभक्ति लगा हुआ है, देश के लिए क्या हो जाएगा, भक्ति, क्या हो जाएगा साथियों, यह भक्ति हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका कारक चिन्ह जो है यह छुपा हुआ है, यानी उसमें हो जाएगा, देश के लिए हमारा क्या होगा, यह भक्ति हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नौ का क्या हो जाएगा आपको, यह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक ना, जब भी विभक्ति चिन्ह जो छुपा हो तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर दस नंबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, चौराहा, ठीक है, क्या है चौराहा, तो क्या कहते हैं उसे, जब विग्रह करते हैं तो क्या कहलाता है, चार राहों का क्या होता है, चार राहों का क्या होता है साथियों, चार राहों का समाहार होता है, समाहार, यानी कहने का मतलब होता है वो स्थान जहाँ, जहाँ पर चार रास्ते मिलते हैं, जिसे आप चौराहा कहते हैं ना, कहते हैं वो चौराहा पे आ जाओ, मिलते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, यह क्या है, यह आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि संख्या की बात हो रहा है, जब भी प्रश्न में संख्या की बात कर रहे, क्या है, कितने राहों का समूह, समाहार, तो ये चार राहों का, तो चार क्या है, यह संख्यावाची है, जब भी प्रश्न में संख्या को सूचित कर रहा हो तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा संख्यावाची यानी द्विगु समास हो जाएगा। देखिए यह है क्वेश्चन 11 नंबर, दशानंद, दशानंद में कौन सा समास है साथियों, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, क्यों, इसका जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है, दश है, दश है आनंद जिसके, किनके हैं आनंद है, यानी दस है आनंद जिसके, वह कौन हो जाएंगे, वह उनके लिए एक विशेष है, वह किसके हो जाएगा, यह आपका, यह रावण को सूचित करता है, क्या हो जाएगा साथियों, यह आपका रावण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह आपका रावण हो जाएगा, यानी क्या कहता है, यानी दस है आनंद जिसके, तो किसके लिए सूचित करता है, तो यह रावण के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई बहन, भाई बहन में कहता है कि कौन सा समास है, तो भाई बहन में क्या हो जाएगा साथियों, भाई बहन की जहाँ तक बात करता हूँ, तो ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह, ये उसे संयोजक चिन्ह कहते हैं, तो जब भी ये क्या रहे, संयोजक चिन्ह रहे, तो आपका क्या होगा, और एक दूसरे के विपरीत रहे, जैसे दाल दाल, ठीक ना, दाल दाल अगर दे दे तो वह नहीं होगा, ठीक ना, लेकिन अगर दाल भात दे दे तो क्या होगा, यह हो जाएगा, दाल भात दे दे तो क्या हो जाएगा, यह आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, माता पिता, ठीक ना, भाई बहन, ये सभी आपके द्वंद्व समास में आ जाएंगे। अगला है 13 नंबर, इनमें से कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा, यहाँ सर्वनाम चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको सर्वनाम को छांटना है, तो क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। उसके बाद है सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो साथियों आपको बता दो, सर्वनाम के ये कितने भेद होते हैं, छः भेद होते हैं, ठीक ना, पहला क्या होता है, लिख लीजिए कॉपी में, पुरुषवाचक, दूसरा क्या होता है, निश्चयवाचक, तीसरा क्या होता है, अनिश्चयवाचक, चौथा क्या होता है, संबंधवाचक, पांचवा होता है, प्रश्नवाचक, और छठा होता है, निजवाचक, इस प्रकार आप लिख लीजिए, ठीक ना, लिख सकते हैं, और यहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। उसके बाद है 15 नंबर, वह बहुत अच्छा लड़का है जिसने वह जिसने कह रहा है, उसमें यह वह जो है यह कौन सा सर्वनाम है, ठीक ना, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, जैसे कहते हैं
वह मेरी गर्लफ्रेंड वो अच्छी है, उसकी गर्लफ्रेंड, तो क्या है यह निश्चित है ना, आप किसी व्यक्ति विशेष को बात कर रहे हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड क्या है, सुंदर है, तो आप किसी कहते हैं ना मोहन को, सोहन को, यह विशेष किसी निश्चित की बात कर रहे हैं ना, तो वह क्या हो जाएगा आपका, यह निश्चयवाचक क्या हो जाएगा, यह सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में 15 जो टॉप 10 जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, आपके 15 क्वेश्चन, तो ठीक ना, तो 15 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया और अच्छे से समझा। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।